हेलो, मैं के एस असोंदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योग और आयुर्वेद। इस चैनल पर आज आपको बीजगणित के सूत्र बताएंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सूत्र याद करने का तरीका, पहली संख्या का वर्ग प्लस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ये याद करने का तरीका है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका, ए प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू पहली संख्या का वर्ग प्लस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। और इस तरह से आप इसे खोलेंगे तो खोलने के बाद में होगा ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। या कोई भी संख्या हो सकती है, किसी भी तरह की संख्या हो सकती है, एक जगह पर कुछ पाँच हो सकता है, दस हो सकता है, टू ए बी हो सकता है, टू बी हो सकता है, और बी की जगह पर भी संख्या हो सकती है या अंक हो सकता है आपका, या संख्या टू बी भी हो सकती है, फाइव बी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकती है, जेड भी हो सकता है, जो भी हो। उसका मतलब यही है कि आप जहाँ पर पहली संख्या है वहाँ पहली संख्या लिखिए, ब्रैकेट में बंद करिए और स्क्वायर लगाइए, प्लस की जगह प्लस लगाइए, दो आप लिखिए, और या पहली संख्या गुणा लगाइए, और जहाँ पहली संख्या जो भी है ए हो चाहे कुछ भी हो वो लगाना है, और गुणा बी, बी अगर बी है तो बी लगाइए, और यहाँ अगर कोई दूसरी संख्या है तो उसे लिखिए, प्लस लगाइए, और जब बी का स्क्वायर कर दीजिए, जो भी आपकी संख्या उसका स्क्वायर करना है। ये इसका याद करने का तरीका है। अब इसी तरह से आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं। दूसरा सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करेंगे कैसे? पहली संख्या का वर्ग माइनस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका भी यही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू गुणा ए गुणा बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरा सूत्र है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। इसका सूत्र है पहली संख्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसे याद कैसे करेंगे? पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, बहुत आसान सूत्र है ये। जब करेंगे तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इजिकल टू पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। इसे खोलेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलते हैं अगले सूत्र पर। यह सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इसे याद कैसे करेंगे? पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दो गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस दो गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। और इसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस दो गुणा ए गुणा बी प्लस दो गुणा बी गुणा सी प्लस दो गुणा सी गुणा ए। जब खोलेंगे तो जो ऊपर सूत्र लिखा हुआ उसी तरह से आपका खुल जाएगा पूरा। अगला सूत्र है, देखिए ये मैंने अभी सूत्र बताया, इस सूत्र से भी आपका हर सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस रहते कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये चिन्ह बदल जाते हैं तो कुछ जगह पर चिन्हों का परिवर्तन होता है, लेकिन हम इस सूत्र को ही अगर लगा दें चिन्ह के साथ में ब्रैकेट में रखें तो हमारा सूत्र एक ही काम कर जाएगा हर जगह पे। लेकिन हम दूसरा सूत्र बता रहे हैं किस तरह से, आप देखिए। सवाल है हमारा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। लास्ट वाला
लास्ट वाले की जगह पे, यानी सी की जगह पे, या तीसरे अंक के पे अगर माइनस है तो लास्ट के दो माइनस आएंगे। अगर बी पे माइनस है तो शुरू के दो माइनस आएंगे। अगर ए पे माइनस के माइनस है तो एक पहले पे एक लास्ट पे माइनस आएगा। इसे याद कैसे करेंगे? पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस दो गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या माइनस दो गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। सॉल्व करने का तरीका वही है। संख्या है मान लीजिए ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है, सी तीसरी संख्या है। तो हम करेंगे बराबर करके पहली संख्या का वर्ग यानी ए का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी बी का वर्ग प्लस तीसरी संख्या यानी सी का वर्ग प्लस दो गुणा पहली संख्या ए गुणा दूसरी संख्या बी माइनस दो गुणा बी गुणा सी माइनस दो गुणा सी गुणा ए। जब इसे खोलेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। तो चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। यह है क्यूब का सूत्र, घन का सूत्र, पावर थ्री का सूत्र, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसे याद कैसे करेंगे? पहली संख्या घन प्लस दूसरी संख्या घन प्लस तीन गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। इसको सॉल्व करने का तरीका भी जो लिखा हुआ है इसी तरह से है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस तीन गुणा ए गुणा बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। जब इसे खोलेंगे तो आंसर आएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। और खोलेंगे तो आएगा आंसर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर। अब अगला सूत्र देखिए। सूत्र है ए माइनस बी का होल क्यूब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। याद करने का तरीका इस प्रकार याद करेंगे आप, पहली संख्या का घन माइनस दूसरी संख्या का घन माइनस तीन गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ब्रैकेट में पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। इस प्रकार सॉल्व करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री गुणा ए गुणा बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। और खोलेंगे तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो मैंने आपको ये छह सूत्र बताए हैं। आप इस तरीके से बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, और आपको अगर मैथ में होशियार होना है तो सूत्रों की बहुत वैल्यू होती है। यदि आपको सूत्र याद हैं, इन्हें लगाना आता है, तो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। और मैथ में अगर होशियार बनना है तो रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए। लगातार प्रैक्टिस करने से मैथ आपका अच्छा होगा। इसी के साथ में मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए।